हेलो व्यूअर्स, दिस इज शाहनवाज हियर एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाहनवाज। सो गाइस, आज की इस वीडियो में एक अमेजिंग सा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल को कुछ इस टाइप का स्टाइलिश लुक दे सकते हो, लाइक मैं जैसे अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को लुक दिया हूँ। लाइक आप एक फोटो को बहुत सारे फोटोज स्प्लिट करके आप उसको कैसे आप इंस्टाग्राम पे परफेक्टली अपलोड कर सकते हो, एंड ये एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड बहुत आप इजी प्रोसेस में आप कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हम कैसे अपने फोटो को स्प्लिट करके इंस्टाग्राम पे परफेक्टली कैसे हम अपलोड कर सके। एंड गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज यार मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरीके का वीडियोस लेके आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी टाइम लॉस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, इस एप्लीकेशन का नेम है फोटो स्प्लिट। सो ये रहा ये एप्लीकेशन, एंड इस एप्लीकेशन का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले जो आप अपने एप्लीकेशन को ओपन कर देना है, एंड आप जैसे आप अपना एप्लीकेशन ओपन करते हो तो यहाँ से कुछ आपको एक नॉर्मल सा इंटरफेस देखने को मिलेगा। शायद आप जब पहली बार ओपन करोगे तो आपको जो है फाइल का या स्टोरेज का परमिशन मांगेगा, जिसको सिंपली आपको अलाउ कर देना है या परमिशन दे देना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि चूज फोटो पे क्लिक करना है। चूज फोटो पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से नॉर्मली कोई से भी अपना पिक को क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। तो सो यहाँ से मैं कोई एक अपना इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ से मैंने अपना एक फ़ोटो को जो है सिलेक्ट कर लिया। जैसे आप सिलेक्ट भी या टिक मार्क पे क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस टाइप का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो आप अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग आप कितना साइज़ का फ़ोटो आप इंस्टा पे अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ से आपको सिंपली सिलेक्ट करना होगा। सो यहाँ से मैं ये वाला साइज़ लेता हूँ जो परफेक्टली, सर ये वाला साइज़ जो पूरा परफेक्टली होगा, 3x4 का होगा, यानी कि 12 पार्ट में स्प्लिट करेगा। जो 12 हमारा इमेज का 12 पार्ट होगा, टोटल 12 पार्ट होगा इसका इमेज का। तो ये वाले हम स्प्लिट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, देन यहाँ से सिंपली स्प्लिट पर क्लिक करना है। एंड आप जैसे क्लिक करते हो यहाँ से ये ऑटोमेटिकली जो है बता देगा कि आपको किसके बाद कौन सा फोटो अपलोड करना है। तो यहाँ से मैं सिंपली ऐसे करके एक एक फोटो को अपलोड करता हूँ। सिंपली मैं क्या करता हूँ कि नंबर 1 पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से इंस्टा फीड पे क्लिक करता हूँ। एंड उसके बाद आप जैसे अपने इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड करते हो वैसे अपलोड करोगे। यहाँ से मैं जल्दी जल्दी से अपलोड कर देता हूँ, वीडियो यहाँ से स्किप कर देता हूँ मैं। सो गाइस, यहाँ से मैंने नंबर 6 तक जो फोटो को अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। तो उसके बाद क्या करना है, नंबर 6 के बाद नंबर 7 आपको नंबर वाइज फोटो आपको अपलोड करना है। याद रहे नंबर वाइज फोटो, जिस पे नंबर 1 नंबर 2 जैसे दिया है उस टाइप का आपको जो मतलब सही से आपको फोटो अपलोड करना है। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस टाइप करके आपको पूरा अपलोड करना है। तो मैं यहाँ तक नंबर 6 तक अपलोड कर दिया हूँ, तो यहाँ से मैं नंबर 7 अपलोड करता हूँ, फिर नंबर 8, फिर नंबर 9, ऐसे सो ऑन ऐसे मैं अपलोड करूँगा। सो गाइस, मैंने फाइनली जो है पूरा का पूरा फोटो अपलोड कर दिया है एक के बाद एक। तो यहाँ से मैं पूरा 12 फोटो जो अपलोड कर दिया है, उसके बाद जो सिंपली मैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आता हूँ, यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली हम यहाँ से अपना अकाउंट रिफ्रेश कर लेते हैं। सो गाइस, अभी जो है हमारा अकाउंट कुछ इस टाइप का दिख रहा है, हमारा इमेज जो है कुछ इस टाइप का दिख रहा है। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर प्लीज़ कर देना, एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ यार जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोज़ लेकर आते रहता हूँ। सो प्लीज़ यार जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।